नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश और म्यूजिक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है संगीत सीखने वाले के दृष्टिकोण से। मेरे सामने ये सामने बच्चे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो सारेगामा पधानिसा में अटके रहते हैं, यानी कि सुरों का वो अभ्यास करते रहते हैं कि कौन से सुर, सुरों का जो ज्ञान है उसका प्रैक्टिस लगातार चलता रहता है। लेकिन केवल सुरों का ज्ञान होना ही संगीत का पार्ट नहीं है। संगीत में तीन जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं वो सुर, ताल और लय। अगर इन तीनों का हमने साथ साथ अभ्यास नहीं किया तो हम फिर संगीत गा नहीं सकते या बजा नहीं सकते, हम संगीत के साथ नहीं चल सकते। भले हमें सुरों का कितना भी अनुभव हो जाए, अगर हमारी लय बेकार है या हम ताल में नहीं, हमें तालों का अनुभव नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में ये छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ, और आई होप कि मैं काफ़ी कुछ इस क्लास में आपको समझने को सीखने को मिलेगा। किस तरह से मतलब हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं। देखो, स्वरों का अभ्यास करना ये एक पार्ट है, लेकिन आपने लय को छोड़ दिया, ताल को छोड़ दिया, तो उनका अभ्यास करना भी ज़रूरी है। तो आज हम इस क्लास में तीनों ही चीज़ों को एक साथ किस तरह से मतलब आप कवर कर सकते हैं, कैसी ऐसी रियाज है उनके लिए। तो ये बच्चे सामने बैठे हैं क्योंकि जब आप कोई भी भजन गाएंगे, कोई भी संगीत आप जब गाएंगे, तो तीनों चीज़ें उसमें एक साथ चलती हैं। जिसकी लय ख़राब है वो लय तोड़ देता है, लय नहीं बैठा पाता, वो शब्दों को ऊपर नीचे बोलता है। जिसकी ताल ख़राब है वो ताल तोड़ता है, और सुर सुर भी ठीक नहीं है तो सुर भी नहीं लगेंगे। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये एक साथ चलने वाली चीज़ है तीनों। तो सुर, ताल जो और लय है, इन तीनों चीज़ों का अभ्यास एक साथ करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। उसका अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि आपको जो अभ्यास करना है वो तीनों चीज़ का। और इसलिए देखो, स्वर का हम लोग कैसे अभ्यास करें, हारमोनियम पे स्वर का चल रहा है, स्वर का हमें ज्ञान हो रहा है। अब हम लय की बात करेंगे। लय के लिए हम लोग सरगम्स बोल रहे हैं, और ताल के लिए हम लोग अगर कोई भी हम बीट प्ले करेंगे, सपोज जैसे अभी मैं मेट्रोनोम यहाँ पर ले रहा हूँ, हम तीनों चीज़ों को एक साथ प्ले करेंगे। तो मैं मेट्रोनोम पर कोई भी एक जो बीट है, 120 BPM लगा लो, 180 लगा लो, जितना भी आप ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है, उस पर हम तीनों चीज़ों को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। और बारी बारी से मैं बताऊँगा फिर आपको बच्चों के लिए, बिगनर्स के लिए, कि इनका अभ्यास होता कैसे है। एक्चुअली में एक डांसर होता है जो डांस करते हैं, उनको भी ताल का अभ्यास होता है। डांस ऐसे नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि संगीतकार को ही डांस का। जो 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 आपने देखा होगा कि जो जो फोर्सेज में जो परेड करते हैं, उसमें ड्रम बीट चलती रहती है परेड के साथ साथ, तो वो भी एक मतलब एक रिदम, उसमें भी एक ताल चलती रहती है प्रॉपर। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ताल में बने रहना। तो मैं इसके लिए देखो, हम शुरू करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है ये, एक साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे हारमोनियम पर। चलो, गाइज जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर मेट्रोनोम पर हमने इसकी प्रैक्टिस की। अब दोनों इसके साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है कि जैसे आप किसी भी एक बच्चे को आप रिटर्न में ले आओ, इधर आ जाओ, ये चलो वहीं रहो, मैं इनको मजीरा पकड़ा देता हूँ साथ में, इसको पकड़ो, इसको ये बीट के साथ साथ इसका भी अभ्यास करेंगे, इनको पता लगेगा कि कब का कितना कहाँ पर बीट मर रहा है। ठीक है, जैसे
बीट के साथ चलो। अब इससे दो फायदे हो रहे हैं, उसको पता भी चल रहा है बीट का भी, चलते रहो, उसको बीट का भी पता चल रहा है और हमारा काम भी हो रहा है। गाइज इसमें क्या है, जैसे आप जनरली पता क्या नहीं चल पाता हमको, बीट यानी रिदम ताल ही नहीं मिलती। जो बड़े बड़े मैंने देखा है जो जो सीखने वाले होते हैं वो हारमोनियम का लगातार प्रैक्टिस करते हैं बट उनको ताल नहीं मिल पाती, उनको ताल पे वो नहीं टिकते, तोड़ देते हैं ताल को, जो मात्रा है उनको आगे पीछे कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे हमने ये मेट्रोनोम की जो 120 BPM हमने चलाया और इसमें हम 8 मात्राएँ ले रहे हैं कि सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा कर सा, तो उस पर बने रहना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसकी में हम लोग और भी डबल फुल स्पीड में हम लोग करेंगे, जैसे हारमोनियम मैं जो मेरे पास जो स्पीड है उस फुल स्पीड पर हम लोग दोहराएंगे। देखो जैसे सपोज मैं 250 BPM ले रहा हूँ अभी, Thank you.